अभी बजरी मलूंगा इनकी। नेक्स्ट टाइम कहीं और से कराएंगे। भैया जी का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा है यहाँ पे, वो हम आपको बता नहीं सकते। वो नहीं बता सकते। सर्विसिंग क्या हो रही है, इतनी अच्छी सर्विसिंग। भाई नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मैं इसको बोल रहा हूँ, रब दा वास्ता कमीज पाला है। तेनू वेख के मेनू मेरी दादी याद आउंदी आ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और यार आज का हमारा प्लान कुछ था नहीं वैसे तो, लेकिन सडनली याद आया कि गाड़ी की सर्विस ड्यू है और हमने लिफ्ट किट जैसे कि डलवाई हुई है, उसकी वजह से हमारा जो इंजन ऑयल था मुझे लग रहा है उस टाइम पे लीक हो गया। तो अभी जा रहे हैं सीधे सर्विस सेंटर और फिर आपको बताएंगे आगे सीन। Guys, I hate kids. भाई मेरे बच्चे नहीं पसंद यार। भाई लिफ्ट तोड़ेगा। लिफ्ट किट लगा के ऐसा लग रहा पता नहीं तीसरी मंजिल चढ़ रहा हूँ। पेट्रोल मिला नहीं? ना नहीं मिला। X95 What nonsense is that? X95 क्या होता है? X95 Guys, हम प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं। जो कि हमें मिल नहीं रहा कहीं से, क्योंकि शक्ल हमारी प्रीमियम वाली नहीं है। चलो यार अब जाते हैं आगे और मिलते हैं सीधे आपको जाके सर्विस स्टेशन। गाइस सफर करते करते लगी थी भूख और आ गए इधर दसुआ में, थोड़ी देर रुके। और यार एक बार चेक करो यार लिफ्ट किट के साथ, काफी हाइट लग रही है गाड़ी की। सो लिफ्ट किट के साथ यहाँ पे कैमरे पे तो सही नहीं आ रहा, बट ऐसे इन रियल काफी हाइट में लग रही है गाड़ी। 3.5 इंच तो ऊपर हो गई है ना ये। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ओ भाई वो आ गया मैकडोनल्ड, सॉरी हमने तो आपको लास्ट घोषित कर दिया था। मैकडोनल्ड भाई, क्या क्या मैकडोनल्ड भाई, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होते हुए। गाइस हम तो जस्ट निकलने लगे थे, पर उससे पहले यार एक दुर्घटना घट चुकी है। तभी भाई मैं बार बार कहता हूँ कि ड्राइव सेफ। गाड़ी की हालत देख रहे हो, अपने गाड़ी वाले आ गए। तो यार पहुंच चुके हैं जलंधर जीप शोरूम के बाहर। ये रही अपनी गाड़ी, गाड़ी जा रही है सीधे सर्विसिंग के लिए। अभी आगे जाके फिर आपको बताते हैं कि क्या इशू आ रहा था लिफ्ट किट के बाद, फिर वो आपको दिखाते हैं सारा। गाड़ी हमने लगा दी है सर्विस सेंटर और अब छोड़ के जा रहे हैं इनके हवाले। भाई मेरा ना लिफ्ट किट से ना मेरी आंखें नहीं हट रही भाई, जितनी ये लिफ्ट हो रखी है ना। बाकी हम अभी कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे बाकी रूबीकॉन के साथ, कोई मुकाबला नहीं भाई रे। अभी इनकी डिस्कशनें चल रही हैं, फिर हम लोग निकलेंगे सीधे हवेली के लिए क्योंकि लंच भी करना, एंड बाकी के सीन बताते हैं आपको। अगर मोस्ट प्रोबेबली कंपेरिजन हो पाएगा तो ज़रूर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी ले लें। आए हो तो टेस्ट ड्राइव का मज़ा भी तो लेना। लेट्स गो। बट वाइट कलर देखने में सेक्सी लगता है, हमें ऐसा जितना पसंद नहीं था, हमें रेड ही चाहिए था क्योंकि रेड की तो यार रेड अलग ही अट्रैक्शन है रेड कलर में। तो अब यहाँ से जल्दी फ्री हो के, जितना जल्दी फ्री हो के उतना जल्दी हम निकलेंगे सीधे हवेली के लिए। सो गाइस फाइनली अब आए थे यहाँ पे, तो सोचा टेस्ट ड्राइव के लिए बोलते हैं भैया को, और भैया ने कहा चलो लेट्स गो टेस्ट ड्राइव हो ही जाए। कितनी गाड़ी आएगी? 5000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा वाह। तो भाई गाड़ी जिसकी टेस्ट ड्राइव लेने लगे हैं वो अपनी जीप कंपस गर्मी में तो मैं जरूरी खोलना है वो तो ठीक है। वैसे पखा लाया ना, बंद कर दो। वाह लेकिन
सीट तुम्हें अपने हिसाब से तेरी टांगों के हिसाब से ठीक है? पहले से 80 है यार, अच्छी बात है। तो कैसी फील आ रही है? चलाने तो दे, पहले फील आ रही है भाई, थोड़ी सी हल्की सी फील तो मिली होगी। हल्की सी, मेरे को पिकअप भी चेक करनी है वाली बस। तो यार गाड़ी छोड़ दी है सर्विसिंग के लिए और अभी जा रहे हैं सीधा हवेली, क्योंकि इनको भूख लगी है, भूखड़ा एक नंबर के ये। आओ कभी हवेली पे। और मुकुल कह रहा था इतने डिस्टेंस पे वो चल नहीं सकता, और अभी चलवा रहे हैं मुकुल को, पेट कम करवा रहे हैं इसका। आधा किलो कम हो गया इसका। तो अभी सीधा जाते हैं हवेली, फिर आपको बताते हैं आगे। ये पंकज के काम है। ये कौन सा काम करता तू? गाड़ी भी लिखता घटिया साला। मुकुल सर्विस कितने की हो रही है गाड़ी की? मुझे क्या पता भाई, आइडिया। 1700 ओनली। 1700 साले स्कूटी की कराने आया है। 1700 में उसको 10 किलोमीटर नहीं चल सकता। आइडिया गेस बिटवीन 15 to 20,000। अच्छा 41,796। अच्छा दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, क्योंकि जितने तुम दोनों ने बोला उन दोनों से ज्यादा है। गेस कर लो। तो यार हवेली पहुंच चुके हैं और हवेली आते ही ये देखो, ये वाली रूबीकॉन। रेड रूबीकॉन गाइस, ये ट्रैक्टर की लुक ज्यादा आ रही है। टायर बड़ा आगे करो, थोड़ा आगे करो। मेरी रूबीकॉन से सिर्फ टायर बड़ा ना, बाकी मेरी रूबीकॉन बड़ी है। ऑन नहीं चलता। तो यार खाना वाना खा के आ चुके थे और अभी सर्विस चल रही है अपनी, पूरी सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की, और अभी बस होने वाले हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको बताते हैं आगे के सीन्स। तो यार बाकी सर्विस हमारी हो चुकी है और अभी हो रही है हमारी व्हील अलाइनमेंट, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। यार हमारी सर्विसिंग तो हो रही है बाहर, बाहर ये देखो सर्विसिंग क्या हो रही है, इतनी अच्छी सर्विसिंग। भाई सर्विस करवाने आए हो, क्या करने आए यहाँ पे? भाई नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मैं इसको बोल रहा हूँ, रब दा वास्ता कमीज पाला है। तेनू वेख के मेनू मेरी दादी याद आ रही है। क्या चक्कर है भाई, गर्मी लग रही है आपको? ओके भाई गर्मी है भाई, ये सन बात ले रहे हैं। मैं इनकी मसाज कर रहा हूँ। वहाँ पे उधर लेटो मिट्टी पे, ये अभी बजरी मलूंगा इनकी। तो यार सर्विस तो हो चुकी है और अभी गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, तो अभी बस वॉशिंग करवा के फिर हम निकल रहे हैं जम्मू को। सो गाइस यहीं पे सर्विस होती है ख़त्म, और मुकुल भैया रुको वेट, गाड़ी पे जाना है, पैदल नहीं जाना। अच्छा जी चलो ठीक है जी, तो काफ़ी 2 साल वेट करने के बाद। 2 साल 2 साल के बराबर ही लगा भाई, बड़ा टाइम हो गया था यार। शाम होने वाली है, नेक्स्ट टाइम कहीं और से कराएंगे। भैया जी का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा है यहाँ पे, वो हम आपको बता नहीं सकते। वो नहीं बता सकते। तो लेट्स गो यार, वापस चलते हैं और घर वालों से खाते हैं थोड़ी गालियाँ, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। गालियाँ तो पड़ी रही हैं। गालियाँ तो बचपन से पड़ रही हैं, बचपन से पड़ रही हैं। मैं कहता हूँ घिस दो पूरी गाड़ी। सो गाइस अब यहाँ से होती है वापसी हमारी। सो गाइस इसी के साथ सर्विस हो गई है और गाड़ी अपनी लिश्क रही है, वाह, और हम लोग चले वापस। और ये बाकी वहाँ आए थे, सालो वापिस आओ, रिवर्स करो मेरे लिए, रिवर्स करो रिवर्स। अगर इन्होंने रिवर्स कर दिया तो भाई देख सारा गाली देने के लिए निकला है। हाँ क्या कह रही है?